हमें यहाँ पे आए हुए 5 दिन हो गए हैं। यहाँ पे थोड़ा हम खेल भी लेते हैं। ये देखिए ग्राउंड, शायद आपको नज़र आ रहा होगा, देसी जुगाड़, जटू इंजीनियर, और ये देखिए आम के पेड़ हैं, बहुत ही पुराना, इसमें काफ़ी आम लगे हुए हैं। अभी आपको दिखाते हैं, आमों के भी दर्शन करवाते हैं। ये हमारे पीछे कम इसलिए हो गए, जिस दिन हम आए थे भरे हुए थे, लेकिन बंदर काफ़ी आ रहे हैं और वो तोड़ तोड़ के फेंक रहे हैं, कभी किधर कभी किधर। और ये देखिए देरावास आपको नज़र आ रही होगी हमारे पीछे, क्योंकि यहाँ बादल छाए हुए हैं थोड़े थोड़े। और फादर्स डे के दिन वाले जो फादर्स डे था, उस दिन हमने आपको कुछ शायर व शायरी सुनाई थी, आपको बड़ी पसंद आई, हमें भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत मानवता भलाई के कार्य करते हैं, दिन रात लगे हुए हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत से सेवादार यहाँ पे आए थे पहले, मिल के गए, बड़ी खुशी हुई। और ये नेचुरल भगवान की जो कृपा चल रही है, नेचर देखिए कैसी खूबसूरत हुई पड़ी, बादल हैं ये दूर से नज़र आएंगे, आप लोगों का लगातार देखना जारी है, एक साइड में आए जा रहा है। आप कब से कह रहे थे कि पिताजी हमें दर्शन दीजिए, तो हम आपके दर्शन करना चाहते थे, राम जी ने सुनी है और भगवान हमेशा सुनता रहेगा। अब आप ये कैसे बताएं कि बेपरवाह सच्चे पातशाह जी ने इतनी रहमो कर्म की है, इतनी रहमो कर्म की है कि हर जगह हर समय हर पल वो हमारे साथ रहते हैं। तो सतगुरु की प्यारी सत संग जी, करने वाला शास्त्र नाम श्याम स्थान दाता है, हम तो सेवादार हैं, चौकीदार हैं, कर्ण करावण हार मेरा राम प्यारा, शास्त्र नाम श्याम स्थान दाता है, उन्हीं की रहमो कर्म से हम आपके दर्शनों के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। और ये देखिए ये यूपी आश्रम का 13वां वास है, और ये इधर 4 दीवारी, हम धीरे धीरे घूमते हुए आपको सारा दिखाना चाहते हैं। ये देखिए मेन गेट देखा आपने, तेरा बास भी फिर आ जाते हैं। कई बार ख्यालों में विचारों में इंसान से कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो आपके अंदर शायद ये भावना आती होगी कि क्या करें, तो आपको हमेशा हम कहा करते थे कि 5 मिनट स्मरण कर लो, जो भी आपके ख्यालों में विचारों में कुछ ऐसा गलत विचार आ जाता है, 5 मिनट स्मरण करने से वो सारे के सारे पाप या वो गलत सोच का फल खत्म हो जाता है, आपको वो फल नहीं मिलेगा, तो आप ध्यान रखा करो हमेशा। बाकी बहुत से जब सेवादार आए थे तो उन्होंने यही कहा, गुरुजी भजन सुनाओ भजन सुनाओ, कोई कुछ कह रहा था कोई कुछ कह रहा था, तो पहले वाले भजन तो आप लोगों ने बहुत सुने हैं और नए भजन भी उन लोगों ने सुने, उनको अच्छे लगे, तो हमें बड़ी खुशी है कि आप लोग इंसानियत के कार्यों में दिन रात लगे हुए हैं। भगवान करे इन कार्यों के बदले भगवान जी आपको बहुत खुशियाँ दें। समाज का भला करना, हर धर्म जात मजहब का साथ देना ही आपका काम है, और सबका सत्कार करना है, सबकी इज्जत करनी है, तेनु यार नाल की, तेनु चोर नाल की, तो अपनी निवेड़ तेनु होर नाल की। सो कहने का मतलब कि हमारा जो कर्म है, इस जन्म में ये दो काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो, किसी जीव का दिल ना दुखाना कभी, मौत याद रखो, मालिक से डरो, हमेशा खुशियों से सतगुरु जी के ये वचन माना करो। आपको कई बार बताया था कि बेपरवाह जी ने कहा था कि ये जो 2 लाइनें हैं, जो इनको मान लेता है उसे भी खुशियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, तो आप ज़रूर अमल किया करो, किसी से नफरत नहीं करनी, हमने कभी किसी का बुरा नहीं करना। ये चल फिर के आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हो, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करने की कोशिश करते हैं,
शायद टेढ़ा हो नहीं पा रहा क्योंकि काफ़ी देर बाद इसको हाथ में सिक में लगाया हुआ है हमने। बाकी मालिक आपके ऊपर रहमो करम करे। हम ये हमेशा ही आपको कहा करते हैं कि बेपरवाह शाह मस्ताना जी दाता ने इतनी रहमत की है कि हमारे हाथों में उनका नाम है। तो ये देखिए, आप सारे देखना चाह करते थे और एक आप ये देखना चाहते थे, बहुत सारी चीज़ें देखना चाहते होते हैं। तो राम नाम जपना हमेशा से ही खुशियां लेके आता है। कभी भी आप टेंशन ना लिया करो, कभी चिंता ना किया करो, कभी किसी की निंदा नहीं करनी। हमने तो राम का नाम जपना है, समाज का भला करना है। और आप लोगों ने जब से हम वहाँ गए हुए हैं सुनारिया में, तो इन 5 सालों में इतने मानवता भलाई के कार्य किए हैं। दिन रात सुमरण किया है, अखंड सुमरण आप लोगों ने किया है। कि पिताजी तो अखंड सुमरण का नहीं कहते थे, अरे क्यों भाई, अखंड सुमरण का चाहे कहें ना कहें, पर हम ही कह के भेजते थे कि अखंड सुमरण किया करो ताकि मानवता का भला हो। आने वाली बुराइयां हैं, आने वाले रोग हैं, उससे मानवता बची रहे, इंसानियत बची रहे, इंसानियत को खुशियां मिले। तो वो चीज़ें हमेशा ही आप लोगों ने करी हैं और भगवान से यही प्रार्थना है कि आप वो हमेशा करते रहें। उन खुशियों में आपकी, आपके पूरे परिवार की खुशियां भी शामिल हैं। तो दिल तो नहीं करता कि आपको, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं लगातार आए जा रहे हैं, पर थोड़ा सा ज़्यादा दूर है हमारे से सेल्फी, इसलिए सेल्फी स्टैंड और ये कैमरा ज़्यादा दूर है तो वो हम पढ़ नहीं पा रहे, लेकिन पढ़ेंगे बाद में आपने जो जो कहा है। और ये फिर से ग्राउंड के पास ही हैं हम, अलग अलग एंगल से कोशिश कर रहे थे, कोशिश करते हैं, अगर ये पता नहीं क्यों नहीं आता। हाँ शायद आ गया है, इसे करके देखते हैं। हाँ आ रहा है शायद। और प्यारी साथ संगत जी, ना तो किसी का बुरा कहो, ना किसी की निंदा करो, ना कभी भी किसी निंदा करने वाले का हाँ में हाँ भरो। ये हमने चिट्ठियों में भी डाला, 10 चिट्ठियाँ आपको लिख के भेजी हैं। गुड़गामा में भी हमने यही भगवान से प्रार्थना करते रहे जब 21 दिन वहाँ पे रहे, और अब यहाँ आए हैं तो यही प्रार्थना चल रही है, हे प्रभु सारे संसार में शांति दे, हमारे इस देश में शांति रहे। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, ये जो तूफान उठ रहे हैं, तू दया का सागर है, तू रहमत का दाता है, इन तूफानों को रोक दे, इंसान को सोझी दे, क्योंकि ये इंसानियत के लिए अच्छी चीज़ें नहीं हैं। राम जी से दुआ कर सकते हैं, शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता से। और दूसरी बात, अभी शायद कुछ देर पहले हमने डॉक्टर साहब को कहा था, डॉक्टर नैन ने भी हमें बताया था कि कुछ देर के लिए साथ संगत ना आए, तो फिर वो कह रहे थे कि मैं ट्वीट करने जा रहा हूँ, तो शायद उन्होंने ट्वीट किया होगा इस तरह का कि भाई आप प्रशासन ने थोड़ी देर के लिए रोका है तो रुकना है, तो आपने रुकना है, ज़रूर माना करो आप, क्योंकि आपके ही चुने हुए सेवादार हैं हम। ठीक है, उन्हें कह देते हैं, बता देते हैं, आप में से ही वो सेवादार हैं, तो पूरा अमल करना। बाकी कोई कुछ भी कहता फिरे, इसी की तरफ ध्यान मत दिया करो। हम जब जेल में गए थे ना, शुरू में सुनारिया में गए थे, तो एक बड़ी अजीब बात हुई, क्योंकि उन लोगों ने हमें उस रूप में देखा हुआ था जिसमें उसके हैंड सिंह बने हुए थे। हैं जी, समझ गए बेटी, अरे मुंडे तनु समझ आ गई ना। हाँ, तो उन्होंने उस रूम में देखा हुआ था, तो हमने कहा, कहने लगे जी बाबा तो डुप्लीकेट आ गया। अरे हमने कहा नहीं भाई, हम तो वही हैं। कहते नाना ये देख बाबा, या तो तेरी दाढ़ी न्यू है और अड़े तेरी दाढ़ी न्यू है। फिर उनको यूं करके हमने यूं करके दिखाया, कहते अरे ये तो वही बाबा है। बड़ी मुश्किल से गिनाया उनको, तो मतलब इस तरह की बातें होती रही। तो शास्त्र नाम जी दाता रहमत ने, उन्होंने रहमत करी है मालिक ने। हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे, हम तो नहीं हैं, लेकिन वो शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर हम में हैं, तो इसलिए MSG बना दिया उन्होंने। और आपकी सेवा के लिए हम तो चौकीदार हैं, सेवादार हैं, हर समय तैयार हैं। फिर से एक बार पूरे संसार के लिए दुआ करते हैं कि कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं झगड़े हो रहे हैं, हमारा देश
इन चीज़ों से बचा रहे, पूरा वर्ल्ड इन चीज़ों से बचा रहे। ये तूफान जो उठ रहे हैं नफरत के, झगड़े के, हे भगवान, हे शास्त्र नाम श्यामस्तान दाता, इन तूफानों को रोक दे, इन बुराइयों को जो किसी के मन में पनप रही हैं रोक दे, इंसानियत का भला कर। यही मालिक से दुआ करते हुए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं, आशीर्वाद कहते हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक बहुत बहुत आपको खुशियाँ दे। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा।